letters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. के लिए अपना जो हेल्थ है, हेल्थ को टेन करने के लिए और जिम रिलेटेड जितने भी टिप्स है, जितने भी गाइडेंस मिलना चाहिए, वो खुद स्टूडेंट्स को और जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको गाइड करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल हुसैन चौधरी। मैं तुलसीबिल का रहने वाला हूँ। आप क्या सोच के मतलब यहाँ जिम सेटअप किया है? मैंने 10 से 12 साल दिल्ली में रहा, वहाँ पे देखा बहुत सारे फिट लड़के घूमते हैं। मेरे को ये लगा अपना स्टेट में या अपना ज़िला में या अपना मतलब एरिया में इतना बॉडी बिल्डर कोई है नहीं और फिटनेस के बारे में इतना कुछ सोचते नहीं, नॉलेज भी नहीं है, टाइम भी नहीं है आजकल। फिर मैंने अपनी तरफ से सोचा मैं कुछ करूं अपने लिए भी और सबके लिए, नौजवान है इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, सब इस जिम में आके अपना जो सेहत है, अपना जो हेल्थ है, हेल्थ के लिए एटलीस्ट एक घंटा निकाले, क्योंकि डॉक्टर भी आजकल सजेस्ट करते हैं और हम लोग बहुत सारे बीमारी से घिरे हुए हैं। तो ये सोच के ये जो हम लोग का ब्रदर है इकबाल भाई एक्चुअली तुलसीबिल में रहने वाला, इनका जो रेसिडेंस है वो है तुलसीबिल में। तो तुलसीबिल में जिम का एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, वहाँ एक जिम है भी। मैं किसी और दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा तुलसीबिल का जो जिम है उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ये सोच के मतलब आपको हेल्थी बनाने के लिए, आपके सेहत के लिए ये सोच के मतलब अपना जितना भी पैसा है इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है जस्ट आपको फिट देखने के लिए, कितना खर्चा हुआ यहाँ? यहाँ पे मेरा टोटल इन्वेस्ट किया हुआ है 7 से 8 लाख रुपया टोटल। पैसा फैक्टर नहीं है क्योंकि पैसा हर कोई कमाता है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन अपना हेल्थ अगर सुस्त नहीं है तो पैसे से आप क्या करोगे। तो यहाँ पे एडमिशन 1000 रुपया किया हुआ है। और कितना दिन हो गया जिम ये? 1 महीना हुआ ओपनिंग हुआ। 1 महीना? हाँ, पिछला 16 तारीख को ओपनिंग हुआ है, तो मतलब 20-25 दिन हुआ है। मैं सोच रहा था ये जिम किसी और जगह लगाने, मेरे को ये प्लेस लोकेशन थोड़ा अच्छा लगा। मैं सोचा यहाँ पे दूर दूर तक जिम नहीं है, कम से कम तुम्हारा यहाँ से चितला एरिया से 6-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जिम। मैं चाहता हूँ मेरे साथ साथ ये सभी फिट रहे, बीमारी से दूर रहे। अभी स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास? लगभग 30 के आसपास, 30। दुर्गा पूजा है, ये पूजा के बाद शायद, तो अगर 4 बजे से 5 बजे तक मैंने लेडीज़ को ट्रेनिंग देता और उसके बाद जितने भी लड़के वो लोग आगे लड़के कर पाएंगे। हाँ, तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है, थोड़ा अनइजी फील होता है, हेजिटेशन होता है, तो वो अराउंड 2-3 महीना के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सबके साथ मतलब कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ स्पेस की थोड़ा कमी है और कार्डियो सेक्शन में मतलब ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करते हैं लेडीज़, सो लेडीज़ के लिए ऑप्शन है, फिलहाल स्पेस की थोड़ा क्राइसिस है। तो स्पेस भैया इकबाल भैया मतलब स्पेस थोड़ा बढ़ाने का सोच रहा है, बढ़ाने के बाद लेडीज़ अगर 10-12 आए तो वो लोग को थोड़ा सेपरेट करके ट्रेनिंग दे पाएंगे। तो वही सोच के थोड़ा फिलहाल लेडीज़ के लिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया है, लेकिन लेडीज़ के लिए ऑप्शन है कि जिम में लेडीज़ बूढ़े बच्चे सब आके कर पाएंगे, उसका ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा टाइम मतलब इनको चाहिए स्पेस देने के लिए, स्पेस मतलब बढ़ाने के लिए। लेडीज़ के लिए जो फैसिलिटीज़ है, फैसिलिटीज़ हम लोग एनफ, मैं जैसे जो ऑब्जर्वेशन किया हूँ यहाँ, एनफ फैसिलिटीज़ है। एक जो
प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स है जो प्रोफेशनल अपने आप को ट्रेन करेगा दे कैन ऑल्सो यू नो कम हियर टू बिल्ड देमसेल्फ एंड फॉर द पार्टिसिपेशन इन मेनी गेम्स टूवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग मॉडर्न इक्विपमेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मॉडर्न इक्विपमेंट्स एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए जितने भी इक्विपमेंट चाहिए लगभग हर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अवेलेबल है आप लोग देख सकते हो पीछे मिरर लगा हुआ है उसके बाद वेट मशीन भी यहाँ है अब आके अपना जो वेट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो यह है टी बार बहुत सारे इसको बी बार भी कहते हैं द लेडीज ऑल्सो कैन कम हियर फॉर देयर फिटनेस दे कैन मेंटेन देयर फिटनेस एज वेल एंड लाइक ही टोल्ड दैट राइट नाउ एज बिकॉज हिज स्पेस इज लिमिटेड सो ही इज ट्राइंग टू एक्सटेंड द स्पेस सो दैट द लेडीज ऑफ दिस एरिया कैन मेंटेन देयर फिजिक एज वेल राइट हियर पार्टिसिपेटिंग इन द जिम एंड लेट मीन्स टेल यू दैट दिस इज वेरी रीजनेबल The fees including the month rental, the monthly fees is very reduced, very limited and so that everybody can easily work out, maintain their physique with the minimum amount, minimum monthly rental. And because Puja is going on, Durga Puja is going on, that's why the density of students are very less right here. And after the Puja vacation, lots of students, lots of young generations are coming forward to participate in the gym to build a healthy fitness. Once I'll visit and entire workout session will be able to watch through my channel, through my blog. Once certainly I'll visit here. जी कोई अगर मेरा ये blog देख के अगर यहाँ पे आ सकते हैं तो मैंने कोई discount होगा कि नहीं? उनके लिए direct 1800 कर देंगे 3 महीने fees. Through this video, if you come and join, then definitely 200 discount you will get. And he has told already. हम लोग जब जिम स्टार्ट किए थे तब गुसाईगांव में ऐसा बेटर अपॉर्चुनिटी बेटर ऑप्शन थे नहीं तो गुसाईगांव में बहुत सारे एडवांस जिम इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो अभी गुसाईगांव के नियर मोस्ट भारागुड़ी और तुलसीबिल के बीच में कोई जिम नहीं है लेकिन तुलसीबिल में एक है जिम अच्छा जिम है तो भारागुड़ी के आसपास जितने भी लोग हैं वो यहाँ आ सकते हैं और फकराग्राम में भी फकराग्राम भी यहाँ से इतना दूर नहीं है तो आप लोग आके ये जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिया गया है आप लोग फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो और ड्यूरिंग पूजा ऑलमोस्ट ऑल द जिम्स आर क्लोज्ड एंड स्टिल द स्टूडेंट्स सो दैट द स्टूडेंट्स डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी ही हैज ओपन्ड द जिम विदाउट एनी हेजिटेशन इफ अ सिंगल स्टूडेंट ऑल्सो कम्स हियर फॉर हिज वर्कआउट सेशन He has provided this facility and from Tulsibil he used to come here by bike so it consumes around half an hour 20-25 minute to lagte hi honge aapko aane mein raste bahut kharab hai main kitna bhi bike fast chalaun to kam se kam mere ko gym pahunchne mein uske ghar se kam se kam 22 se 25 minute lag hi jata hai to morning mein kitne baje aap main morning mein 5:30 baje past 30 पे जिम खोल देता हूँ 5:30 पे जिम खोल देता हूँ कितना तक रहता है 9 बजे तक 5 से 9 बजे तक आप सुबह रहते हो हाँ और इवनिंग में 4:30 से 9 बजे तक नाइट तो अपना जो कीमती वक्त है आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो स्टूडेंट के लिए मतलब हाँ स्टूडेंट के लिए एक्सरसाइज के लिए जो पागल है वो लोग को अगर एक दिन मिस हो गया तो बहुत ख़राब लगते हैं जैसे कि मतलब संडे मैक्सिमम जिम ऑफ रहते तो एक दिन और सब अपना जो रिदम है वो मेंटेन कर नहीं सकते तो एक दिन क्लोज रहने से एकदम ख़राब लगता है तो यहाँ पे सबका ध्यान रखा गया है सो दैट स्टूडेंट्स डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज एंड देयर रिदम दे कैन मेंटेन कॉन्स्टेंटली देयरफॉर ही हैज यू नो